नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीबी पर। इस समय की एक बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें अयोध्या के सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन एक दिन घटाई। अब दोनों पक्षों को 17 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी बहस। क्या कुछ है पूरा मामला आपको आगे बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिए। तो आइए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। अयोध्या विवादित जमीन मामले में सुनवाई की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन कम कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन का वक्त कम करते हुए संबंधित पार्टियों को बहस 17 अक्टूबर तक खत्म करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई का दिन कम करते हुए सभी पक्ष से कहा है कि उनकी अदालत से जो भी समाधान की उम्मीद है वह 17 तारीख तक अपने तर्कों के जरिए रख दें। चीफ जस्टिस 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच में ये मामले की सुनवाई हो रही है। दोस्तों चीफ जस्टिस का कार्यकाल 17 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इससे पहले की सुनवाई दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले की निर्बाध गति से सुनवाई चलती रहेगी और साथ में मध्यस्थता भी चल सकती है। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बातें कही थी। 17 अक्टूबर तक सभी पक्षों की दलील अब समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद जजों को 4 हफ्ते का वक्त मिलेगा ताकि जजमेंट लिखा जा सके। दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई समय की, हम आप लोगों के लिए लेकर आए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।